हेलो एवरीवन, आज हम क्लास फोर्थ सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर नंबर जो है हमारा वो सेकंड और चैप्टर नंबर सेकंड की जो एक्सरसाइज है वो है हमारी 2E, F और G और टॉपिक रहेगा इनमें हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2E, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द टोटल मनी ड्यू इन ईच बिल, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड एज चेंज इन ईच केस। आपको जो है ए और बी पार्ट दिया गया है, यहाँ पर जो है बिल दिए गए हैं। इस बिल में आपको जो है जो भी अमाउंट है उसको जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो बिल दिया गया है आपको ए पार्ट में, उसने जो है एक शर्ट को परचेज किया है और शर्ट को जो है उसने कितने रुपीज़, 220 रुपीज़ और 25 जो है ये हमारे पैसे हैं। एक पैंट परचेज़ की है उसने, एक टाई की परचेज़ की है, उसका अमाउंट जो आपको सामने दिया गया है, इसका सिर्फ आपको जो है टोटल करना है। तो वही है, टोटल हम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस से। 5 और 5 हो जाएंगे हमारे 10 और 0, तो यहाँ पे 10 से 0 यहाँ पे आ जाएगा और 1 जो है हमारा यहाँ बोरो के रूप में ऊपर चला जाएगा। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट प्लेस को जो है हम ऐड करेंगे, 2 और 7 को ऐड करेंगे, 2 और 7 हो जाएंगे हमारे 9, 9 में 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 15, 15 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 16, 16 का 6 यहाँ पे आ जाएगा और 1 जो है हमारा बोरो के रूप में आगे चला जाएगा नेक्स्ट डिजिट के ऊपर। उसके बाद फिर ये हमारा जो है यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लेस को हम प्लस करेंगे, ये ज़ीरो है तो 0 में 0 को प्लस करेंगे तो 0 ही रहेगा और उसमें हम 5 को प्लस करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा और एक हमारा बोरो है तो 5 में 1 को प्लस हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा। तो फिर अब नेक्स्ट को प्लस करेंगे, 6 as it is हमारा लिखा जाएगा। नेक्स्ट को प्लस करेंगे 2 और 5 7, 7 और 6 हो जाएंगे हमारे 13, 13 से 3 हमारा यहाँ आ जाएगा और 1 जो है हमारा बोरो के रूप में नेक्स्ट डिजिट के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद फिर हमारा 2 में 3 को प्लस करेंगे तो हमारा 5 आएगा, 5 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा 6 होगा और 1 कैरी को प्लस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से जो टोटल बिल जो होगा वो 736 रुपीज़ एंड 60 पैसे जो है टोटल हो जाएगा। तो इस जो भी उसने परचेज़ किया है उसका जो अमाउंट है उसके लिए उसको इतना पे करना पड़ेगा। इसी तरह से आप जो है बी पार्ट को जो है सोल्व करेंगे, उसमें भी आपको जो है जो बिल दिया गया है उसका टोटल निकालना है तो आप उसको टोटल करेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, शो डिफरेंट वेज टू मेक 100, ठीक है, यूज़ मोर हाई वैल्यू नोट। इसमें क्या है, ये नंबर ऑफ नोट दिए गए हैं आपको, ठीक है। ये अमाउंट दिया गया है, 50 रुपीज़ के नोट हैं, 20 रुपीज़ के नोट है, 10 रुपीज़ के नोट है और 5 रुपीज़ का नोट है और ये नोट हैं आपके पास और यहाँ पे ये दिया गया है रुपीज़। यूज़ मीन्स आपको यूज़ करना किसका, रुपीज़ 5 और रुपीज़ 10। तो 5 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के ही आपको नोट जो है उनको यूज़ करना है और अमाउंट जो आपको बनाना है वो कितना बनाना है, 100 बनाना है। तो अब आप ये जो दे रखे हैं जहाँ पे आप लोगे नंबर ऑफ नोट कि आप 5 और 10 रुपीज़ के जो आपको नोट यूज़ करने हैं कि कितने, तो आप 5 के नोट यूज़ करोगे और कितने 10 के नोट जो है नंबर ऑफ नोट यूज़ करोगे कि आपका जो टोटल अमाउंट है वो 100 हो जाए। तो हम यहाँ पर मान लीजिए रुपीज़ 5 लेते हैं, 5 और 10 बोला तो 5 के पास लेते हैं हम, 5 के हम यहाँ पे 10 नोट ले लेते हैं, नंबर ऑफ नोट क्या आ गया हमारा, 10 आ गया। तो 5 रुपीज़ का 10 नोट का अमाउंट कितना हो गया हमारा, 50 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा फिर 10 यूज़ हमें सेकेंड नोट क्या है हमारा, 10 का है तो 10 के हम 5 नोट ले लेते हैं। तो 5 10 जा 50, 10 5 जा 50, 50 का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 100, ठीक है। तो इस तरह से हमने तो जो है ये नोट
इतनी नंबर ऑफ़ नोट्स जो है यूज़ किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है कोई और भी नंबर जो आप जो है यूज कर सकते हैं। ये जो आपको दिया गया है नंबर ऑफ नोट्स जो है आप इनके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। जैसे इसमें 10 और 20 के नोट दिया गया है तो आप 10 और 20 के ही नंबर ऑफ नोट्स लिखेंगे। 50, 20 और 10 दिया गया है तो आप इन्हीं के नंबर्स के जो है नोट लिखोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द टोटल ऑफ मनी वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब जो है नीचे फिर से वही है, ये रुपीज़ नोट दिए गए हैं 50, 20, 10, 5, 1 रुपीज़, 50 पैसे, 25 पैसे, फिर लास्ट में जो हमारा टोटल आ गया और उनके नीचे नंबर ऑफ़ नोट्स दिए गए हैं। तो हमें ऊपर अमाउंट देखना है, उसका नंबर ऑफ़ नोट्स देखने हैं, फिर उनको प्लस करके सामने लिखना है। जैसे इसने जो करके दिखाई, इसमें क्या है 50 का कोई नोट नहीं है, 20 रुपीज़ का एक नोट है, तो कितना अमाउंट हो गया हमारा 20। फिर 10 का एक है तो 20 और 10 कितने हो गए हमारे 30। फिर 5 रुपीज़ का एक है तो 5 रुपीज़ फिर प्लस हो जाएंगे, 35 हो जाएगा, 1 है तो 36 हो जाएगा। उसके बाद 50 पैसे कोई नहीं है, 25 पैसे है, तो टोटल अमाउंट जो है हमारा 36 रुपीज़ 25 आ गया। ऐसे ही हम इनको प्लस करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे 10 रुपीज़ का 1 नोट है तो 10 हो गया हमारा, 5 का 1 है तो 5 हो गया, 10 और 5 कितना हो गया हमारा 15 हो गया, 1 का कोई नहीं है तो रुपीज़ कितने हो गए हमारे, यहाँ लिख लेंगे हम रुपीज़ 15 पॉइंट। अब पैसे हैं, पैसे हमारा एक 50 पैसे का कॉइन है और एक 25 पैसे का कॉइन है, तो 50 और 25 का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 75 पैसे। तो 75 पैसे 15 रुपीज़, 75 पैसे जो है इसका टोटल अमाउंट जो है वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या है। फॉलो मिसिज राय सी गोज फॉर शॉपिंग आउट फॉर शॉपिंग। मिसिज राय है, कोई लेडी है, वो शॉपिंग के लिए जाती है, तो हाउ मच मनी डज सी हैव व्हेन सी गेट बैक होम। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि वो शॉपिंग के लिए जाती है और जब वो घर वापस आती है तो उसके पास जो है कितना अमाउंट है। तो स्टार्टिंग में ये पिक्चर दिया है, ये पिक्चर में क्या है रुपीज़ 257 इन हर पर्स, उसके पर्स में जो अमाउंट है वो कितना है 257, उसमें से बी में उसने जो है 52 रुपीज़ 50 पैसे को जो है स्पेंड कर दिया, इट मीन्स उसने खर्च कर दिया, तो ये अमाउंट जो है हमारा ए में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, फिर वो उसके पास बैलेंस है क्योंकि ये उसने खर्च कर दिया, फिर उसके बाद नया बैलेंस बचेगा, फिर जो बैलेंस बचेगा उसमें से उसने फिर जो है सी के पास 48 25 रुपीज़ जो है ये क्या किया उसने फिर से स्पेंड कर दिया, मींस खर्च कर दिया, स्पेंड मींस होता है खर्च करना, उसमें से उसने खर्च कर दिया, फिर जो उसके पास यहाँ अमाउंट था उसमें से ये खर्च कर दिया, तो उसके बाद फिर एक नया अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। फिर उस अमाउंट को जो बचा उसके पास फिर वो कहाँ जाती है विड्रा, ठीक है, विड्रा होता है मींस निकालना, वो बैंक में जाती है और बैंक में से उसने 200 रुपये निकाल लिए। अब उसके पास जो अमाउंट था उसने 200 निकाले हैं, ठीक है, 200 निकाले हैं, तो निकालने के बाद ये जो यहाँ हमारा अमाउंट जो है यहाँ पे बचा था माइनस करने के बाद, उस अमाउंट में जो है हम 200 रुपीज़ को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्योंकि उसने वो बैंक से निकाले हैं और बैंक से जब हम कोई राशि निकालते हैं, कोई भी अमाउंट हम निकालते हैं, तो वो हमारे पास प्लस हो जाता है। फिर ये 200 रुपीज़ जो है 200 रुपीज़ जो है विड्रा निकालने के बाद उसने क्या किया, फिर ये बाय स्टिक्स फॉर, ठीक है, बाय टिकट, फिर उसने टिकट्स ली हैं इतनी रुपीज़ की, तो फिर उसने स्पेंड किया है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो टोटल था उसमें से ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया उसमें से फिर उसने ये स्पेंड कर दिया, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस करने के बाद एफ़ के बाद फिर वो यहाँ जाती है जी के पास, जी पे उसने क्या किया, जी पिक में क्या है कि रिटर्न्स ए बुक, रिटर्न मीन्स होता है वापस करना। फिर यहाँ जो उसके पास 158 स्पेंड करने के बाद जो अमाउंट बचा है उसके पास, फिर उसके बाद उसने क्या किया, रिटर्न अ बुक एंड गेट रुपीज़ 53 बैक। उसने जो है एक बुक को जो है वापस कर दिया दुकानदार को और उसे ने जो है 53 रुपीज़ लिए, उसने उसे 53 रुपीज़ मिले हैं, तो 53 जो उसका अमाउंट बचा था उसमें यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे जितना उसके अमाउंट
पास अमाउंट है, तो वो अमाउंट लेके मिसिज राय हैज़ रुपीज़, जो भी फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो आप यहाँ पे राइट करेंगे और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सोल्व द फॉलोइंग। अब जो है हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चन है, वन है ऑन वन पर्टिकुलर डे, किसी एक निश्चित दिन है बैंक रिसीव्ड रुपीज़ 5928, बैंक ने जो है 5928 रिसीव किए मीन्स प्राप्त किए, एंड गेव आउट रुपीज़ 5000 ठीक है 5021, और उसको जो है गेव आउट करने थे 521 रुपीज़ आउट करने थे ठीक है, लेने तो उसने 521 थे लेकिन उसने उसको जो बैंक ने रिसीव किया वो 5928 रिसीव किया, तो हाउ मच मोर मनी वाज रिसीव्ड बाय द बैंक देन गिवन आउट ठीक है, मींस क्या है उसको जो है 500 इसके मीनिंग क्या है कि भाई एक बैंक से उसने जो है लेने तो थे 5021 रुपीज़ ठीक है, और उसने बैंक से ले लिया कितना 5928 रुपीज़, तो ये बताना कि हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड, कितनी ज़्यादा मनी जो उसने बैंक से रिसीव की, तो जो हमने दिया हम वही लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा ठीक है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो रिसीव्ड मनी है जो उसने बैंक से रिसीव की है वो क्या है ये 5928, गेव आउट और उसको लेनी कितनी थी 521, तो उसने मोर रिसीव्ड मनी, तो कितनी रिसीव्ड मनी ज़्यादा निकालने के लिए कि भाई कितना ज़्यादा अमाउंट लिया है, तो हम यहाँ 5928 में से 5021 को जो है माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 7 आएगा, 2 में से 2 को करेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 में से 0 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 5 में से 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये जो हमारा अमाउंट है फाइनल जो हमारा आंसर आया है ये अमाउंट वो अमाउंट है जो उसने बैंक से ज़्यादा लिया है। एक्सरसाइज 2F, इसमें क्या है सोल्व यूजिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कीपिंग द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सम्स सॉल्विंग इन माइंड, ये जो प्रॉब्लम सम्स दिए गए हैं इनमें जो है आपको अपना माइंड का जो है आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग इन प्रॉब्लम्स को आपको सोल्व करना है, चाहे आपको फाइंड आउट करना है कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा या मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ठीक है, वो आप जब स्टेटमेंट को समझोगे तब आपको पता चलेगा कि हमें इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, तो वो अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन अर्थ, ऑन अर्थ मीन्स पृथ्वी पर, एन ऑब्जेक्ट वेट 6 टाइम इट्स वेट ऑन द मून ठीक है, कि पृथ्वी पर अगर कोई चीज़ है उसका जो वेट है वो 6 गुना है मून पे जो उसका वेट है ठीक है, मान लो मून पे अगर उसका किलो वेट 1 किलोग्राम है तो मून का 1 किलोग्राम जो है पृथ्वी पर उसका 6 गुना है, तो पृथ्वी पर जो है उसको 1 किलोग्राम को 6 किलोग्राम माना जाएगा। फिर हाउ मच विल अ मैन, कि एक आदमी का हु वेट कितना होगा, कि उसका वेट ऑन अर्थ तो 84 किलोग्राम है, अर्थ पे जो उसका वेट है वो 84 किलोग्राम है, तो ये बताना है कि मून पे उसका वेट क्या होगा, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ है। इसने क्या दिया स्टेटमेंट में हमें, ऑन अर्थ, अर्थ पे जो उसका वेट है वो कितना है 6 टाइम ऑफ इट्स वेट ऑन द मून, मून पे जो उसका वेट है उसका 6 टाइम्स है मीन्स 6 गुना है, इसका मतलब मीनिंग क्या है कि 6 किलोग्राम अर्थ है, तो यहाँ अर्थ हो गया हमारा, यहाँ पे मून आ गया ठीक है, तो 6 किलोग्राम अगर अर्थ पे है तो वो 6 किलोग्राम जो हमारा मून पे 1 किलोग्राम के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 किलोग्राम है तो पहले हम 1 किलोग्राम की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 किलोग्राम की अगर वैल्यू निकाल लेंगे ये 6 हमारा ज़्यादा है और ये हमारा कम है, 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाग
भाग करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो ये जो 6 है ये 1 के बाय चला जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाय 6 के जी हो जाएगा मून पर। ठीक है, अगर अर्थ पे वेट 1 किलोग्राम है तो मून पे जाके वो 1 बाय 6 किलोग्राम हो जाएगा। अब अर्थ पे वेट कितना है हमारा, 84 किलोग्राम। अर्थ पे 84 किलोग्राम अगर वेट है तो अब ये हो गया हमारा 1, ये हमारी 1 की वैल्यू है हम यहाँ हमारे पास। अब 84 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 84 ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय 6 से, इसको न्यूमिरेटर के न्यूमिरेटर ऊपर के ऊपर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 84 के 1 से करेंगे, तो 84 6 हमारा एज इट इज आ जाएगा। और जब 84 को जो हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 14 किलोग्राम जो है हमारा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर अर्थ पे उसका वेट 84 किलोग्राम है तो अगर वो व्यक्ति मून पे अगर जाता है तो उसका वेट जो है 14 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 2G, इसमें क्या है, सोल्व दीज एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स टू हेल्प द बार मॉडल्स। ठीक है, ये बार मॉडल्स जो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, ये बार मॉडल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट को समझना है और ऐड और सब्ट्रैक्शन करना है कि किस समय हमें ऐड करना पड़ेगा और किस समय जो है हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो आप स्टेटमेंट को देखोगे जब वो करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उसको रीड आउट करोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि हमें इसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 क्या है, ए लार्ज बुक स्टोर नीड्स टू कीप 1500 कॉपीज ऑफ डिक्शनरी इन स्टॉक। एक जो लार्ज बुक स्टोर, एक बहुत बड़ा जो है बुक स्टोर क्या होता है, जहाँ पे हमें बुक्स वगैरह मिलती हैं, टू कीप नीड्स टू कीप उसको जो है 1500 इतनी कॉपीज जो हैं अपनी स्टॉक में, कीप मीन्स रखना है। ठीक है, कीप मीन्स का होता है रखना, तो उसको अपने जो स्टोर है उसका उसमें जो है 1550 कॉपीज को रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इट प्रेजेंटली हैज़ 987 कॉपीज इन स्टॉक। ठीक है, उसको अपने स्टॉक में जो है 1500 कॉपीज़ करनी है और उसके पास जो है रिसेंटली जो है प्रेजेंट जो है वो 987 कॉपीज के स्टॉक में फ़िलहाल है। ठीक है, तो ये बताना कि हाउ मच मोर कॉपीज डज इट नीड टू रीच द नंबर ऑफ डिक्शनरीज इन इट्स नीड टू हैव। तो ये निकालना कि उसको जो है अपना स्टॉक जो है कंप्लीट करने के लिए कितनी और बुक्स की नीड उसको है। अब यहाँ देखते हैं हम उसके पास टोटल उसको करना कितना है, टोटल इसको कितना करना है, ये टोटल कितना करना उसको 1500 और उसके पास है कितना 987, इतना उसके पास है और इतना उसको करना है। अगर हम इसमें से, ठीक है, क्या होगा ये हमारा यहाँ पे, अगर हम 1500 में से 987 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा और फिर क्या होगा, जो यहाँ पे आएगा कि इतनी बुक्स या कॉपीज की उसको नीड है अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जीरो में से सेवन को माइनस नहीं कर सकते, जीरो बोरो लेगा, जीरो जीरो को बोरो नहीं दे सकता, तो फिर ये इसके पास आएगा, फाइव इसको बोरो देगा, फाइव इसको बोरो देने के बाद यहाँ क्या बचेगा, फोर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा। अब ये टेन है तो अब ये इसको बोरो दे सकता है, तो ये बोरो देने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, टेन में से सेवन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, थ्री आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब नाइन बचा हुआ है, नाइन में से एट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा फोर है, अब फोर में से हम नाइन को माइनस नहीं कर सकते, तो फोर क्या करेगा, इधर से बोरो लेगा, बोरो लेने के बाद ये कितना हो जाएगा, फोर्टीन हो जाएगा। फोर्टीन में से नाइन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, फाइव आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, वन है और वन ने इधर बोरो दे दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो बचा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा वो 513 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर यहाँ आएगा कि उसको जो है अपने स्टॉक को कंप्लीट करने के लिए 513 कॉपीज की जो है नीड है। अगर उसके पास 513 कॉपीज और आ जाती हैं तो वो अपने 1500 के
कॉपीज़ के टारगेट को कंप्लीट कर सकता है। थैंक यू।